क्या ये? ये है बड़ी छल्ली। ओ नहीं मना करते ना। ये देखो ऋषि। दोस्तों ये बाड़े से भी ना बहुत प्यारे लगते हैं, बांस के बना रखे हैं ये ना, और ज्यादातर सभी लोगों ने बना के देखो कितना प्यारा रास्ता लग रहा है। ये इतने बड़े पत्ते हैं, ये अरबी जैसे पत्ते लग रहे हैं पर ये अरबी के पत्ते हैं नहीं। अरबी के पत्ते जो है इतने बड़े होते नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली टू वैली होम। और भाई आज हम रुके हैं यहाँ पे बैजनाथ के पास, ये गांव है महाकाल में। भाई पिछली बार आए थे तो हमारा एक फ्रेंड बना था यहाँ पे हर्ष छोटा सा, तो उससे मैंने बात की तो हमने यहाँ पे आसपास एक होम स्टे ढूंढा है। तो गाइस भाई कल का सफर तो बहुत ही सुहावना था, मतलब भाई दिक्कतें तो चली रही हैं लेकिन वो रास्ता इतना प्यारा था ना। कल आपने मतलब देखा होगा भाई चारों तरफ धुंध ही धुंध, मतलब ऐसा लग रहा था मतलब कोहरा, मतलब ठंडी ठंडी हवा जैसे बहती है ना, वो मतलब पानी बह रहा था कह लो या धुंध जो बह रही थी, भाई मजा आ गया कल। आप देखेंगे तो भाई ये गांव भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे जो है थोड़ी दूर दूर घर हैं पर जगह बहुत ही प्यारी जगह है ये। भाई मैं थोड़ा सा ऐसे ही टहलने के लिए निकला था बाहर, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, दीपिका और त्रिशु को भी लेके आने वाला हूँ घूमने के लिए यहाँ पे, तो थोड़ा जो है हम सभी टहलेंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों भाई ये ना पेड़ भाई भरा हुआ है बिल्कुल। भाई इसको बोलते हैं मतलब, मैंने पूछा तो ये भाई संतरा भी नहीं होता है, ये नींबू भी नहीं होता है, ये खट्टा होता है मतलब ना येलो येलो बड़ा होता है। ये खाया है मैंने ना, इसे चीनी और धनिया के साथ ना यहाँ पे यहाँ बनाते हैं, बहुत ही जो है टेस्टी डिश बनती है इसकी। ये भी तो बहुत बड़े बड़े होंगे, छोटे हैं ये ना ये भी। ये देखो भाई भाई त्रिशु और दीपिका भी आ गए हमारे साथ बाहर घूमने के लिए, है ना त्रिशु? इधर दिखा भाई, देखो भाई ये देखो, ये देख थोड़ी रहा इधर, ये बिजी है क्या है त्रिशु? ये वाह वाह वाह, ये क्या ये? पिपी है ये, पिपी। अरे त्रिशु खाओगे इसको आप? हैं खट्टा होता है ये, तू जो खट। चलो यहाँ दोस्तों छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं ना भाई निकलने के लिए, और प्यारे प्यारे रास्ते हैं भाई। देख रहे हो चारों तरफ जो है पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, फ्लावर्स लगे हैं, आप इनको जानते होंगे शायद, ये हैं हल्दी के पौधे भाई। नीचे इनकी हल्दी लगती है और देखो पत्ते कितने सारे पत्ते लगे हुए हैं, ये सारी सारी जो है हल्दी है, देसी हल्दी है ये। बस इसको तो हर जगह पत्ते चाहिए तोड़ने के लिए ना, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी नई चीज मिल जाए बस। गन्ने खाओगे? ये देखो, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं, अभी वापस आ गए ना। सूखे हैं ये तो यार। नहीं सूखे नहीं, ये सूखेगा ये, अभी देखो अंदर से हरे हरे हैं ये, खाए जाए। नहीं तुमने पूछा भी है कोई बोले हमें तो। ये देखो भाई ये लग गया गन्ने तोड़ने में हमारा बच्चा, ये हाथ कट जाएगा भाई। मैं तोड़ता हूँ एक छल्ली, लेट बी सी, देखते हैं भाई। ये तो सारी छोटी लगी है ना, ये तो ये छोटी है सारी ना। ये देखो भाई ये लगी है बड़ी सी छल्ली। ओ तो इसको देखते हैं ये कैसा है भाई। त्रिशु ये देखो ये क्या है भाई, ये तो अच्छी है यार। दीपू बेटा आने से कुछ बोला तू ही पिटेगी, नहीं मना करते ना। ये देखो त्रिशु, ये देखो भाई कच्ची है बिल्कुल ना, ये देखो भाई ये ना कच्ची है बिल्कुल, मतलब इसके दाने ना दूध की तरह दाने, इसके ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ऐसे खा जाते हैं भाई। चलो 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 जल्दी तोड़ो, तुमने पिटाई होगी तुम भी, चलो दोस्तों। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा भाई, कहीं भी आप जाएं ना, कहीं भी घूमने जाएं आप हिमाचल में पहाड़ों पे, तो भाई हम तो क्या करते हैं, हम कहीं आउटसाइड जो है अभी होम से ढूंढते हैं किसी गांव में, तो भाई वहां जो है इतना मज़ा आता है ना, और लोग आपसे इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ना, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जहाँ मार्केटें बन चुकी हैं, वहाँ यार वहाँ कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप किसी जब गाँव में रहेंगे तो भाई लोग आपसे बहुत अच्छी से बातें करेंगे, है ना, और आप वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों कि भाई ऐसे छल्ली तोड़ना या ऐसा कुछ भी ना, ऐसा नहीं है भाई, हमने पूछा है पहले ना, हमने पूछा है, हम पहले भी आके यहाँ पे रहे हैं, तो ऐसा है कि ऐसे नहीं कि भाई आप बिना मर्जी के किसी के खेतों में घुस जा रहे हैं,
ये एरिया तो ऐसा है कि भाई ये उन्हीं का ही है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, और आसपास जो है हम जहाँ जा रहे हैं तो लगभग जो है उन्हीं का एरिया है ये। पिछली बार हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे फूल ही फूल थे। ये दोस्तों भाई पानी की टंकी है, और ये जो है भाई भरी जाती है रोज भाई गवर्नमेंट की तरफ से है, और भाई पानी की सप्लाई जो है रेगुलर है वैसे तो, और नहीं तो जब बंद हो जाए पानी तो इससे जो है घरों में जो है पानी सप्लाई होता है। पालमपुर बैजनाथ जो है दोस्तों भाई थोड़ा सा प्लेन इलाका है, पर ये देखिए ना है प्लेन इलाका, पर यहाँ पे ना ऐसे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं नीचे, ये देखिए ऐसे पत्थर यहाँ जमीनों के अंदर। पर जगह दोस्तों पालमपुर और बैजनाथ जो है दोनों ही बहुत प्यारी है। देखिए दोस्तों भाई ये अपने किसी चीज का पेड़ देखो कैसी जो है बेले यहाँ पे लटकी हुई है, बरगद का ट्री तो नहीं है, बरगद की ट्री में जो है बड़ी बड़ी बेले होती है मोटी मोटी सी ना, ये तो ऐसी अपने आप ही कोई बेल जोगी है। हेलो क्या नाम है आप सबका? आयुष, अनिकेत, रिजवल। अच्छा रिजवल कहाँ जा रहे हो आप लोग अभी सब? कहाँ पे जाते हो बैडमिंटन खेलने? बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। अच्छा भाई चलो ठीक है ठीक है, फिर मिलेंगे। भाई छोटे बच्चे हैं यहाँ पे देखिए, अभी शाम को जा रहे हैं ये बैडमिंटन खेलने के लिए। भाई त्रिशु और दीपिका तो जा रहे हैं वापस है ना, तो चलो आप लोग मैं आता हूँ ठीक है। ठीक है त्रिशु। ये दोस्तों भाई कैसे जो है भाई गांव के रास्ते भी जो है पक्के पक्के बनाए गए हैं ना, साइड साइड से जो जाने वाले रास्ते हैं वो पक्के कर रखे हैं, और ये देखिए ये छोटी सी पुलिया बना रखी है यहाँ पे, और यहाँ साइड साइड से देखो पानी बहता है, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते ही आप देखेंगे तो बड़े बड़े खेत आ जाएंगे, और साइड में यहाँ पे बड़ा मेन रोड। दोस्तों थोड़ा सा बाहर आते ही आपको दिखेंगे यहाँ पे हरे भरे खेत जिसमें जो है धान उगे हुए हैं बहुत सारे, ये देखिए सुंदर जो है फूल उगे हैं यहाँ पे ना, ये देखिए पता नहीं किस चीज के फूल हैं पर प्यारे लग रहे हैं ये, और भाई धान के खेत भी बिल्कुल हरे हो रखे हैं ना, बिल्कुल हरे हो रखे हैं, बारिशें बहुत हुई हैं तो भाई धान को दोस्तों जो है भाई बारिश तो भाई बहुत चाहिए होती है, पानी बहुत चाहिए होता है। और ये देखिए दोस्तों भाई कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, ये अरबी जैसे पत्ते लग रहे हैं पर ये अरबी के पत्ते हैं नहीं, क्योंकि अरबी के पत्ते जो है इतने बड़े होते नहीं है, या तो हो सकता है दोस्तों ये कि भाई जंगली अरबी हो तो जो है इसके पत्ते बड़े बड़े हैं, पर इसके बारे में मुझे कुछ खास जो है नॉलेज नहीं है। मैंने फ्रेंड्स जो है न्यूज़ में ना जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि भाई मंडी का जो हाईवे है उसका क्या हाल है और कब तक खुलने वाला है, तो भाई कोई जानकारी नहीं है, कोई भी सटीक जानकारी नहीं है कि जो मंडी का मेन हाईवे वो कब खुलेगा और कब जो है भाई प्रॉपर रास्ते खुल जाएंगे दोनों तरफ से। तो अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि कुल्लू की जो सप्लाई थी पेट्रोल की वो भी ऑन हुई या नहीं हुई है, जो कटिंडी का रोड था जहाँ से हम आए थे अब मेरे को सुनने में आया है कि वो एक दिन जाने के लिए खोला जा रहा है एक दिन आने के लिए खोला जा रहा है। थोड़ा सा बाहर निकलते ही दोस्तों ये देखिए लिंक रोड लगता है साथ में ही, और देखिए इसके पास पास जो है प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं और आसपास जो है खेत हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों अभी मैं सामने जो है जहाँ बाइक अंदर जा रही है वहीं से आया हूँ, और थोड़ी सी अंदर जाके जो है स्टे है जहाँ हम रुके हुए हैं। जगह जगह दोस्तों यहाँ पे ऐसी देखिए रोड के किनारे जो है प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में जो है घर है यहाँ पे। दोस्तों ये बाड़े से भी ना बहुत प्यारे लगते हैं, बांस के बना रखे हैं ये ना, और ज्यादातर सभी लोगों ने बना रखे हैं, देखो कितना प्यारा रास्ता लग रहा है ये। दोस्तों अभी शाम का मौसम रखा है और भाई कहीं से देखो हर तरफ से जो है बादल घिर आए हैं ना काले काले, और भाई प्यारा सा लग रहा है मौसम अभी, भाई लगता है बारिश आने वाली है, आने की वाली है भाई, आएगी बारिश तो। था भाई फ्रेंड्स देखते देखते देखो बारिश होगी तेज़,